डिसाइड कर रखा होगा। और इन सारी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है आपका गोवा का प्लान। अगर आपने गोवा का प्लान किया हुआ है न्यू ईयर में सेलिब्रेट करने का, या फिर इन विंटर्स आप जाना चाहते हैं गोवा में किसी भी टाइम, लाइक आप दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक गोवा को विजिट कर सकते हैं। ये बेस्ट सीज़न होता है गोवा के लिए, और स्पेशली ये वाला जो टाइम होता है क्रिसमस से न्यू ईयर का टाइम, ये बहुत ही स्पेशल होता है गोवा के अंदर। वहाँ पर क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से जो आपका क्रिसमस है वो बहुत ही अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसे इस फेस्टिवल को बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे, और कोई भी नहीं चाहता इस चीज़ को मिस आउट करना। तो वो लोग जो लोग बहुत इस चीज़ को मिस आउट नहीं करना चाहते, वो लोग कोशिश करते हैं कि आपके क्रिसमस से न्यू ईयर के बीच में गोवा में रहें, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये बेशक बहुत अच्छा होता है गोवा के लिए, पर इस टाइम पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है गोवा के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक आपको अपनी प्रॉपर्टी प्री बुक करके जाना है, आपको उतने क्राउड में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से इवेंट आपको अटेंड करने हैं, कौन कौन से बीचेस आपको विजिट करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट आउट करनी होती हैं। साथ ही प्रॉब्लम होता है कि कौन से कपड़े हम वहाँ पे जाके पहनेंगे। तो गोवा में गर्मी होती है, आप हल्के फुल्के आरामदायक कपड़े पहने। अगर आप कुछ एक ऐसे बीचेस भी हैं जो आप प्राइवेट बीच हैं, अगर आप उन सब जगहों पे जाते हैं तो कुछ जगह पे आपको बिकिनी पहनने होते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें अपने लिस्ट में रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप क्या पहनने वाले हैं और आप कहाँ रुकेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपको प्री बुक होनी ही चाहिए। अगर आप किसी भी अच्छी साइट से अपनी प्रॉपर्टी विज़िट करते हैं तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, क्योंकि पहले अगर आप प्रॉपर्टी विज़िट करते हैं बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है। पीक सीज़न में फिर प्रॉपर्टी के रेट्स भी काफ़ी हाई हो जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही कर लेनी है। साथ ही गोवा जाने का बेस्ट सीज़न तो ये है ही, आप इस सीज़न में अगर आप न्यू ईयर पे नहीं भी प्लान कर रहे हैं तो मार्च अप्रैल तक कभी भी जा सकते हैं आप वहाँ पर। और आप कौन कौन सी जगह पे घूमने जाएंगे, या फिर आपने इस शहर के बारे में पहले से भी कुछ थोड़ा बहुत पता करके रखा होगा कि यहाँ पे हम कहाँ कहाँ घूमेंगे और कौन कौन सी जगह पे रुकेंगे, या क्या फिर हम एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी बहुत लार्ज नंबर्स में होती हैं। तो आप वाटर एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें इंजॉय करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिस्ट आउट कर ली होंगी। अगर नहीं की हैं तो इन्हें प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही गोवा पहुँचेंगे कैसे, पहुँचने का क्या तरीका है वहाँ पे, किस तरह से आप जा सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से, आप हर तरीके से गोवा पहुँच सकते हैं। बाय एयर भी पहुँच सकते हैं, बाय ट्रेन भी पहुँच सकते हैं, और आप बाय रोड भी पहुँच सकते हैं। कोंकण एरिया बहुत खूबसूरत है, तो आप बाय कार भी अपनी जर्नी कर सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर। इवन गोवा में अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो दो मेन स्टेशन्स की हम बात करते हैं, मडगांव और वास्को दी गामा। इसके अलावा भी कई सारे स्टेशन्स हैं, जैसे थीविम है। इन सारी जगहों पे आप अपने अकॉर्डिंग उतर सकते हैं कि आपको कौन सा जो बीच है वो विज़िट करना है, और नियरेस्ट स्टेशन पे आप उतर के अपना टैक्सी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी काफ़ी दूर तक आप जा सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर, मैं सजेस्ट करूँगी कि स्कूटी या फिर कार रेंट करें, क्योंकि गोवा के अंदर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना घूमना चाहते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि हर जगह वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है और आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ सकता है। तो वहाँ के लिए स्कूटी बेस्ट है। अगर आप बड़ी फैमिली के साथ में हैं तो आप कार को रेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। स्कूटी आपको 350 रुपये तक पर डे के रेंटल में मिल जाती है। उसके अलावा आपको कार का भी वहाँ पे पता करने से, वहाँ पे हर जगह ये अवेलेबिलिटी है। स्कूटी तो आपको लगभग हर जगह पे मिल जाती है रेंट करने के लिए। और ये एक ऐसा राज्य है कि इसके हर तरफ समंदर है, और इसके बारे में ऐसा भी मिथ है कि इसे परशुराम ने बनाया था और उन्होंने अपने वार से मार के इस समंदर को काफ़ी दूर फेंक दिया था। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, क्योंकि हर तरफ समंदर है, बहुत सारे बीचेस हैं, आपको हर जगह एवरीवेयर बीचेस ही बीचेस हैं, और टूरिज़्म ये फर्स्ट नंबर पे है, और यहाँ पे फॉरेन कंट्री से बहुत सारे लोग आते हैं। इवन रशियन बीच पर आपको बहुत ही ज़्यादा रशियन दिख जाते हैं। आरामबोल की साइड अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर एक हिप्पी मार्केट भी है और उसे विज़िट कर सकते हो। आरामबोल बहुत ही शांत है, बहुत ही खूबसूरत है, और ये सारे बीचेस काफ़ी सेफ हैं। और अगर आप फेमस बीचेस की बात करोगे तो बागा बीच है, ओलंगूट है, ये बीच बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं नॉर्थ गोवा के अंदर। अगर आप साउथ गोवा के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीनिक ब्यूटी है, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है और उतनी हैपनिंग नहीं है कंपेयर टू नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा के अंदर पार्टी बस ज़्यादा है
और साउथ गोवा थोड़ा शांत है, थोड़ा सुरम्य है और आपको सीनिक ब्यूटी इंजॉय करना है, पर्सनल टाइम चाहिए कपल में है या फिर आप एकदम अपना मी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप साउथ गोवा की साइड जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे होम स्टे मिल जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रह करके आप लंबा रह करके, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वहाँ पर आप लंबा रह सकते हैं। होम स्टेज बहुत अच्छे हैं गोवा के अंदर, आप वो होम स्टेज ले सकते हैं। उसके अलावा आप रिसोर्ट ले सकते हैं, 5-स्टार होटल ले सकते हैं, आप जैसी भी आप जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से। प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है गोवा के अंदर, हर तरफ आपको बहुत ही कन्वीनियंट है ये शहर और आप पूरे गोवा के अंदर कहीं पर भी इजीली प्रॉपर्टी पा सकते हैं। बस आपको कौन सा बीच विजिट करना है, बीच के आसपास अगर आप रहना चाहते हैं, समंदर से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा देख समझ के बुक कर लें पहले से ही। और न्यू ईयर के टाइम पे गोवा जन्नत बन जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है ये। और अगर आप न्यू ईयर का मज़ा लेने के लिए गोवा जा रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, पर बजट जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी जर्नी के अंदर। और अगर आप बजट जर्नी करते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल आपका हाथ खुला नहीं है तो आप ऐसे में यहाँ पर सबसे चीपेस्ट ऑप्शंस को ले सकते हैं। लाइक आप कार की बजाय स्कूटी रेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में आप शेक ले सकते हैं, होम स्टे ले सकते हैं बड़े होटल्स की बजाय। तो इससे आपका जो बजट है वो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। आप अपने कपड़े यहीं से लेकर जाएं वहाँ पर, अगर आप बीच के साइड में ज़्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं करते हैं, जो बाकी के मार्केट हैं तो उनसे आप कुछ नहीं करते हैं, फिर आपका बस खाने खाने का बचता है। और अगर आप खाने में भी बजट प्लान कर रहे हैं तो वहाँ की फ़िश थाली सबसे ज़्यादा फेमस थाली है, और अगर आप बजट में खाना चाहते हैं तो ये 150 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें भरपेट आपको खाना मिल जाता है, तो वो ले सकते हैं। बाकी आपकी जो फ़िश थाली भी फ़िश की वेराइटी के साथ साथ उसके रेट्स भी चेंज होते जाते हैं। अगर आप रहने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, आप स्टे की बात करें अगर हम, तो ये जो होम स्टे हैं ये काफ़ी चीप होते हैं। और इसके अलावा हॉस्टल्स और डॉर्मेट्रीज टाइप के भी वहाँ पे ऑप्शन हैं, वहाँ पे सिर्फ आप बेड ले सकते हैं। जैसे अगर आप बैकपैकर हैं तो आप वहाँ पर उस तरह के भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आपको गोवा के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आप पहले तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ही एक लिस्ट बना लें तो अच्छा होगा। उसके अलावा अगर आप शहरों की बात करें तो आप पणजी जा सकते हैं, वास्को दि गामा जा सकते हैं, मडगांव, मापुसा, पोंडा, ओल्ड गोवा, छापुरा, वेगाटोर, ये सारे आपके दूध सागर आप जा सकते हैं। ये सारे आपके मेन थोड़े सिटी टाइप के हैं। आपको अगर मेन गोवा का शहर देखना है, अगर आपको शॉपिंग करनी है, वहाँ पे काजू बहुत अच्छा मिलता है, आप अगर वो लाना चाहते हैं अपने घर के लिए तो ये सारी जगहों से आप ले सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप बीचेस पे घूम रहे हैं तो डोना पाला, मील मारबोर, अंजुना, वेगाटोर, कोलवा, कोलंगुद, बागा, पेलोलम, अरामबोल, अंजुना, इन सारी जगहों पे आप विज़िट कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ऑनलाइन थोड़ा सा देख के पता करें कि आपको कौन सी जगह जाना है, किस तरह का क्राउड आपको देखना है। अगर आप मेरी बात करें तो मेरा फेवरेट बीच नॉर्थ गोवा के अंदर अरामबोल है, जैसे रशियन बीच के नाम से भी हम जानते हैं, वो मेरा फेवरेट है। और साउथ गोवा अभी तक मैंने विज़िट नहीं किया है, लेकिन मैं जल्दी ही ट्रिप प्लान करूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें और मैं नेक्स्ट जो ट्रिप अपलोड करूंगी उसका वीडियो आपको मिल सके। उसके अलावा आप अगर आप वहाँ के धार्मिक स्थलों को देखना चाहते हैं, वहाँ पे चर्च जो हैं सारे चर्च बहुत अच्छे हैं। इवन वहाँ पे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का है, सेंट कैथरीन चर्च है, और दत्त मंदिर है, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस है, महेंग श्री महालसा है, इस तरह के चर्च हैं, काफ़ी सारे चर्च हैं गोवा के अंदर, बहुत सारे चर्च हैं, आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। और आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बच्चों के साथ भी वो आप विज़िट कर सकते हैं। अगर हम गोवा के मंदिरों की बात करें तो वहाँ पे श्री कामाक्षी, सप्तकोटेश्वर,
श्री शांतादुर्गा महालयसा नारायणी परनेम भगवती मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर आदि दर्शनीय आप वहाँ जा सकते हैं। और अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंगाल टाइगर, भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क है। तो आप यहाँ पर जाके ट्रैकिंग का मज़ा ले सकते हैं, और आप दूधसागर फॉल जाइए तो वहाँ पर भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और अगर आप सांस्कृतिक स्थलों की बात करते हैं गोवा के अंदर, तो आप अगोंडा किला जा सकते हैं, और म्यूज़ियम जा सकते हैं, नेशनल पार्क जा सकते हैं, यहाँ पर बोंडला अभ्यारण्य है, कावल वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, कोटियाजी वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। और गोवा जाने के लिए बहुत ही आसानी से कोंकण वाला रेलवे मार्ग है, आप इस लाइन से जा सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट काफ़ी सारी ट्रेन्स हैं जो आपको दिल्ली से मिल जाती हैं डायरेक्ट गोवा के लिए, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अभी आपको जो पैकिंग करना है, बैकपैक करना है, उसमें आपको सबसे ज़रूरी चीज़ें मैं बता देती हूँ क्या रखना है। गोवा में बहुत ज़्यादा धूप होने वाली है, तो आप गॉगल्स अपने साथ रख लें, हैट अपने साथ रख लें, साथ ही आपका स्किन बर्न ना हो तो सनस्क्रीन रखना बिल्कुल भी मत भूलें, और सनस्क्रीन बहुत अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, अदरवाइज टैनिंग बहुत सारी हो जाएगी। और साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वाटरप्रूफ हैंडबैग और स्लीपर्स, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप स्लीपर्स की बजाय अगर आप क्लॉक्स रखते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आपको कन्वीनियंट होगा, क्योंकि स्लीपर्स कई बार रेत में फंसकर वो टूट जाती हैं, तो आप क्लॉक्स वगैरह ले सकते हैं, स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम रख सकते हैं, वाटर बॉटल तो रखना ही है आपको, साथ ही आप एक एक्स्ट्रा चप्पल रख सकते हैं, लाइट सी ज्वेलरी, अगर आपको ज्वेलरी वेयर करनी है तो बहुत ही लाइट या फिर मिनिमलिस्टिक को आप वहाँ पे पहन सकते हैं, मिनिमलिस्टिक अप्रोच कर सकते हैं ज्वेलरी के मामले में। आप एनर्जी ड्रिंक्स रख सकते हैं क्योंकि गर्मी है और आपको बार बार वहाँ पे बहुत प्यास लग सकती है, और साथ ही वहाँ पर आपको पानी के लिए पानी हम उतना अच्छा नहीं है, आपको हमेशा ख़रीद के पीना होगा। तो आप जाने के बाद शुरू में बड़ा वाला जो बॉटल आता है वो ख़रीद लें, तो वो काफ़ी चीप पड़ जाता है, अदरवाइज़ आप एक लीटर के बॉटल तो ख़रीद ही सकते हैं। और आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, यही सारी चीज़ें आपको चाहिए हैं, और आपको एक बैग के अंदर सारा सामान डाल लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कपड़ों का तो कोई मतलब नहीं है गोवा के अंदर, बहुत लाइट से आपको कपड़े रखने हैं, हल्की पतली ज्वेलरी रखनी है, गॉगल्स रखने हैं, हैट रखना है, सनस्क्रीन रखना है, और ऑल सेट आप जा सकते हैं गोवा। आपने अपनी सारी बुकिंग्स भी कर रखी हैं, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।